ओम शांति। आज 22/11/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने है, देखना है मेरे विच हुण तक की अवगुण है, असी आत्म अभिमानी कितों तक बने हाँ। अज बाबा ने अपने बच्चों प्रश्न पूछा, सर्विस एवल बच्चों की बुद्धि विच हुण केड़ी तांत लगी रहनी चाहिदी है। अज बाबा का उत्तर है, मनुखा नू देवता किवें बनाईए, किवें सबनू लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाईए, ये तांत बच्चों विच लगी रहनी चाहिदी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर विच बहुरूपी बन भेष बदल के टिप टॉप होके जाना चाहिदा है। बाबा आखदे ने उन्होंने पुजारियों नाल अते ट्रस्टियों नाल वक्त समय लैके मिलना चाहिदा है, फिर जुक्ति नाल पुछना है कि तुसी ये जो मंदिर बनाया है इन्हां दी जीवन कहानी की है, जुक्ति नाल गल करदे उन्हां नूं परिचय देना है। गीत है अज दा, हमारे तीर्थ न्यारे है, ओम शांति। गीत दा अर्थ बहुत वारी समझाया है, हुण असी यात्रा कर रहे हाँ वापिस स्वीट होम जाण दी। असी हुण 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हाँ। ये कौन कहता है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुसी कर्म योगी तो है ही, धंधा धोरी आदि ये भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म ते करना ही है। तुसी जदो इस यात्रा ते बाप दी याद विच रहोगे तो तुसी देवता वर्गे बन जाओगे। मन मना भव दा अर्थ भी ये है, ममे कम याद करो तो तुसी मनुख तो देवता बन जाओगे। देवता दी भारत दे ही मनुख है, सिर्फ उना दे चित्र दिखाए जाते हैं कि इमें होके गए है। भारत विच लक्ष्मी नारायण होके गए है, भारत विच बहुत मंदिर बनवाते हैं, अजिहा कोई राजे आदि नहीं है जिन्हों के मंदिर बने है अते मनुख बैठ उना दी महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सब दी महिमा गाते हैं। सब तो जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण दी, ओ 16 कलां संपूर्ण, ओ 14 कलां वाले। ये गल्लां तुसी हुण जाणदे हो अते तुसी फिर तो इवें बन रहे है। उन्हां नूं भी किसी ने जरूर इवें दा बनाया होवेगा। बाप ने ही संगम ते कर्म अकर्म विक्रम दी गति नूं समझा के देवता बनाया है। भारत वासी देवता की महिमा गाते हैं। तुसी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अपने नूं देवता नहीं समझते, भारत के महाराजा महाराणी होके गए हैं। उन्हां विच भी दैवी गुण सी, इसलिए उन्हां नूं देवता कहा जाता है। सी है मनुख ही, क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुख है, मनुखां दी ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुख बनाते हैं, लखां रुपए खर्च कर मंदिर बनाते हैं, पर ये नहीं जानते कि उन्होंने ये रजाई किमें मिली, अजिहे गुणवान वो किमें बने। असी अपने नूं पापी नीच क्यों कहते हाँ, ये तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत दे रहण वाले, वह भी मनुख, असी भी मनुख, पर उन्हां दी सीरत देवता वर्गी है अते इस दुनिया दे मनुखां दी सीरत आसुरां वर्गी है। ये भी आदत पै गई है, मंदिरां विच जाके महिमा गाउंदे है, है वह भी मनुख, पर उन्हां विच दैवी गुण, साडे विच आसुरी गुण, गोया असी असुर हाँ, वह देवता है। कहिंदे है असुर अते देवतां दी लड़ाई लगी, हुण देवता है सर्व स्वर्ग विच, असुर है नरक विच, देवता इत्थे किवें आए जो लड़ाई लगी, नाम है देवता, वह लड़ाई किवें करनगे। देवता दे राज विच असुरां दा नाम निशान नहीं, असुरां दा युग कलयुग पुराणी पृथ्वी, देवता दा युग सतयुग नई पृथ्वी। फिर दोवां दी युद्ध किवें होवेगी, देवता नूं युद्ध करन दी लोड़ नहीं, वह तो उत्थे राज करते हैं। गल बहुत सहज है समझाण अते समझण दी, असी त्रिमूर्ति
भी दिखाते हाँ। लक्ष्मी नारायण नूं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज दिता, पर मनुख समझते नहीं। जो भगवान आके समझाते हैं कि मनुख तो देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, ता भी समझते नहीं। जिमें बाप ने लक्ष्मी नारायण नूं अजिहा बनाया, वह हुण तुहानूं भी बना रहे है। ता पुरशार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए है, देखना चाहिए है मेरे विच की अवगुण है। दे अभिमान बहुत है, देवता आत्म अभिमानी है, उत्थे ये जानते हैं कि असी आत्मा एक शरीर छड़ दूसरा लवांगे, उत्थे अकाल्य मृत्यु नहीं हुंदी, बीमार नहीं हुंदे। संपूर्ण है जथा राजा तथा प्रजा, इसलिए नाम ही स्वर्ग सी, ये है नर्क। किसी नूं कहो तुसी नर्क वासी है तां बिगड़ पैंदे है। तुसी समझा सकदे है जदों भारत स्वर्ग सी तां लक्ष्मी नारायण दा राज सी, ये नर्क है तां उन्हां दा राज ही नहीं। देवता जो पूज्य सी वह पुजारी बने, सतो प्रधान तो तमो प्रधान हर चीज नूं बनना है, अजिही कोई चीज नहीं जो नवी तो पुरानी ना होवे। तुसी भेष बदल के भी जा सकदे है। लक्ष्मी नारायण दे मंदिर विच बहुत मेला लगता है, थानू ए तांत होनी चाहिदी कि मनुखा नू ए दसीए कि उना नू बाप ने ए राज भाग किवें दिता। हुण तां कोई अपने नू देवता नहीं कहंदे, सब हिंदू है, हिंदू कोई धर्म नहीं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस विच लक्ष्मी नारायण दा चित्र भी लै जाना पए, ये फर्स्ट क्लास चित्र है। बंबई विच लक्ष्मी नारायण दा मंदिर भी फर्स्ट क्लास बनाया होया है, बड़े रमणीक चित्र है। फर्स्ट क्लास कारीगर हुंदे है तां चित्र भी फर्स्ट क्लास बनते हैं। लक्ष्मी नारायण दी झांकी दिखाए, उन्हां नूं समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने किवें पदवी पाई, इन्होंने पूरे 84 जन्म लिते है। हुण फिर तो ये राज योग सिख रहे है, भविख विच देवता बनन दे लई मूल गल चंगी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं, प्रदर्शनी ते असी बहुत वधिया समझाइए, पर बहुत वधिया तो अगे चल के समझाना है। हुण तां पुरशार्थ अनुसार समझाया, सुनदे बहुत है, एक कन्न नाल दूसरे तो निकाल देंदे है। बाबा घड़ी घड़ी कहिंदे है, पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया सी, ये लक्ष्मी नारायण दे चित्र खड़े है, असी ये बनन दा पुरशार्थ कर रहे हाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है शिव बाबा दा बच्चा, ब्रह्मा नूं भगवान नहीं कहांगे, वो रचना है। इन्हां देवी देवता नूं राज भाग हैवनली गॉड फादर ने दिता ब्रह्मा द्वारा। हुण शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज स्थापन कर रहे है, असी कहिंदे शिव भगवानों वाच ब्रह्मा द्वारा, वह सानूं पढ़ाण वाला है, इस ते जोर देना है। भक्के नाल ढेर बीके है ता नशे नाल कहना चाहिदा है कि मैं बीके शिव बाबा दा पोतरा हाँ, शिव बाबा को सानू वरसा मिल रहा है, ब्रह्मा द्वारा सानू राज जो सिखा रहे हैं, सानू एडॉप्ट कीता है। शिव बाबा थोड़ा भी दादा है, प्रजापिता ब्रह्मा दे तुसी भी बच्चे है, सिर्फ जानते हैं अते वरसा लै रहे है, तुसी नहीं जानते हैं। असी तुहानूं परिचय दिंदे हाँ, पर किसी दे भाग विच नहीं है तां समझदे नहीं, निश्चय नहीं करदे कि असी बीके हाँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाउंदे हाँ, सानूं देवता बनाउंदे है, शिव जयंती मनाउंदे है। यह भारत परम पिता परमात्मा दा बर्थ प्लेस है, बहुत फकर नाल बोलना चाहिदा है। सर्व दा सदगति दाता एक बाप है, भारत उना दा बर्थ प्लेस है। हुण बाप फिर तो आया होया है, जयंती मनांदे है, पर वो कदे कदों अते किस दे तन विच आउंदे है ये कोई नहीं जानदे। जरूर ब्रह्मा दे तन विच आउणगे, नहीं तां राज भाग किवें देण, राज योग किवें सिखाण, इवें क्लीयर कर समझाना है। तुसी भी बाप को राज भाग लवो, महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। हुण बाप को अपनी भगति का फल लवो, असी तुहानू राय दे रहे हाँ। आंदे बहुत है, शकल मनुख वर्गी
पर सीरत बंदर वर्गी है। बाबा आखदे ने तुसी समझाओ कि असी श्रीमत्ते चलते हाँ, इस यज्ञ विच बिघन पैणगे, विष दे कारण अबलां ते अत्याचार हुंदा है, ब्रह्मा कुमारियां दी निंदा इस लई हुंदी है क्योंकि विष विकार छुड़ानिया है, इस ते मारा मारी हुंदी है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, इस समय सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, सब नरक वासी है, बाप आके स्वर्ग वासी बनाते है। हुण पुरुषार्थ कर बाप को वरसा लेना है, परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे है, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे है, अजिहा निश्चय होए जाए तो फौरन भजन, पर बिरला कोई भजदा है, तुहानू चित्र बहुत वधिया बनाने चाहिए है, इन्हां नाल त्रिमूर्ति चार दा भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत वधिया सर्विस करते है, दूसरे फिर डिससर्विस भी करते है, बाप जानते है ये सब कुछ होना ही है, नौकर चाकर आदि सब चाहिए है। जेकर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमते चलो, किसी नू दुख ना दवो, बाप दा परिचय सब नू दिंदे रहो। बाप कहंदे है मैं कल्प कल्प दे संगम युग ते भारत विच ही आंदा हाँ, सर्व दी सदगति करदा हाँ, मेरे कोल तां सब नू आना पए, तुसी जानदे हो सब दा लिबरेटर अते गाइड इत्थे भारत विच ही जन्म लैंदे है। बाप नू नाम रूप तो न्यारा अते सर्वव्यापी कह दिता है, भारत वासियां ने ही गलानी कर दिती है, उना दा ही बीड़ा गर्क हुंदा है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होण अपने नू हिंदू कहा रहे है। बाप समुख कहंदे है तुसी किन्नी धर्म गलानी कीती है, मेरी भी गलानी कीती है, तुसी ही पवित्र देवता सी हुण अपवित्र बन गए है। ये देवी देवता भारत के दे मालिक सी अते भारत स्वर्ग सी, ये तो सब कहंदे है, हुण कलयुग है, फिर जरूर चक्कर पीट होना है। बाप कहंदे है मैं कल्प कल्प दुनिया नू नमा बनाउंदा हाँ, तुसी लक्ष्मी नारायण दे मंदिर विच जाके ट्रस्टी नू मिल सकदे हो। अजकल माता दा मान घट है क्योंकि भीख मंगण वालिया बहुत निकलिया है, तुसी राखी बनन जांदिया है तां ओ समझणगे भीख मंगण आई है, कह दिंदे है फुरसत नहीं है, पुजाउण दी कोशिश करनगे, सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले है, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होके जाओ, मोटर विच चढ़ के जाओ, जुत्ती नाल गल करो। असी सुनिया है तुसी लक्ष्मी नारायण दा मंदिर बनवाया है, असी तुहाडे दर्शन करन आए हाँ, भला तुहानू पता है इस स्वर्ग दे महाराजा महाराणी है, सानू मंदिर बहुत वधिया लग्या तां साडी दिल हुई बनाउण वाले दा दर्शन करिए। तुसी जरूर उन्हां दी जीवन कहानी जानते होगे, सानू भी थोड़ा परिचय दवो, इवें पुछ के फिर उन्हां नू असल गल सुनानी चाहीदी है। संन्यासियां आदि नू भी तुहाडे कोल ही मुक्ति दा रास्ता मिलदा है, उन्हां नू भी समझाओ, तुहाडे बगैर तां उन्हां दा भी कल्याण होना नहीं है। तां इतना ज्ञान दा नशा होना चाहीदा है, सर्विस ते होवांगे तां नशा रहेगा, इवें नहीं थोड़ी गल विच अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा विच समान रहना चाहिदा है। लक्ष्मी नारायण नू बाबा किन्ना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करनगे, बन रहे है ना, मनुख बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण दा चित्र अजिहा होवे जो देख खुश हो जान, सारा दिन ख्याल चलना चाहिदा है किवें जाके सर्विस करिए, जांच के भाषण करना चाहिदा है, लक्ष्मी नारायण दी महिमा करनी चाहिदी है, अजिही जगह जाना चाहिदा है जो बड़िया बड़िया तो आवाज निकले तो चंगा है। अच्छा, मिठे मिठे सिकी लदे बच्चिया प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप दी रूहानी बच्चिया नू नमस्ते, रूहानी बच्चिया दी रूहानी बाप दादा जी नू याद प्यार गुड मॉर्निंग अते नमस्ते जी। धारना लई मुख सार नंबर एक पर ज्ञान दे नशे विच रहना है, निंदा स्तुति विच समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है,
नंबर दूसरा, सबनू बाप दा परिचय देना लक्ष्मी नारायण दी सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व दा कल्याण कर श्रीमते वधदे रहना है वरदान है अज दा। मैं शब्द दी समृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप विच स्थित होने वाले देह दे बंधन तों मुक्त भव। मैं शब्द दी समृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप विच स्थित होने वाले देह दे बंधन तों मुक्त भव। आज बाप दादा आखदे ने, एक मैं शब्द ही उड़ान वाला है अते मैं शब्द ही थले ले आन वाला है। मैं कहन नाल ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, देह भांदा मैं समाप्त हो जाए ता देह दे बंधन तो मुक्त बन जाओगे, क्योंकि ये मैं शब्द ही देह अहंकार विच लेके कर्म बंधन विच बंध दिंदा है। पर मैं निराकारी आत्मा हाँ, जदों ये समृति आउंदी है ता देह भान तो परे है, कर्म दे संबंध विच आणगे बंधन विच नहीं। अज दा स्लोगन है, निश्चित विजयी अते निश्चिंत स्थिति दा अनुभव करन दे लई संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित विजयी अते निश्चिंत स्थिति दा अनुभव करन दे लई संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति।